बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल को सॉल्व करते वक्त आपको किस टाइप के एग्जांपल्स यूजुअली पूछे जाते हैं? ओके, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इन अ क्लास ऑफ 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ क्लास मॉनिटर, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। देन अगेन द फर्स्ट नेक्स्ट, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4321 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1234, हाउ मेनी? अगेन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? नेक्स्ट, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड? तो हर एग्जाम्पल में क्या क्या कॉमन है रे, विच टर्म इज कॉमन? हाउ मेनी, करेक्ट ना? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाउ मेनी? हाउ मेनी इज व्हाट? हाँ, नंबर ऑफ वेज, हाँ, मीन्स व्हाट? व्हेन आई से, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? ओके, तो आप काउंट करोगे ना, हाउ यू कैन डिटरमाइन दैट? 5 है 7 है 10 है, अभी लेक्चर के अंदर जो लोग है। ओके, तो हाउ मेनी जो वर्ड है ये आपको क्या बताता है? आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्हेन वी आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, सो व्हाट यू डू, यू काउंट द नंबर। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हर क्वेश्चन आपको क्या पूछता है? हाउ मेनी, मतलब आपको क्या करना है? काउंट करना है। दैट्स व्हाई, व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? तो इसीलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन माने क्या? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स इट इज एन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो हाउ यू काउंट, हाउ यू काउंट, आपको अगर काउंट करना है, सपोज मैंने पूछा कि आपके घर में रैक है, बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में कितनी बुक्स है, आप काउंट कैसे करोगे? विच मैथमेटिकल ऑपरेशन यू विल यूज टू काउंट? अरे इस क्लास में कितने लोग हैं, आप काउंट कैसे करोगे? अरे यू विल ऐड। सो सबसे पहले क्या करोगे आप? एडिशन। सो काउंटिंग किसके थ्रू हो सकता है? एडिशन के थ्रू हो सकता है। सो काउंटिंग किसके थ्रू हो सकता है? एडिशन के थ्रू हो सकता है, बराबर है। अनदर वे ऑफ काउंटिंग, दूसरा कौन सा वे है? मल्टीप्लीकेशन। एक बुक शेल्फ में आपका एक रैक के अंदर 5 किताबें, ऐसे 10 रैक है उस शेल्फ के अंदर, तो टोटल किताबें कितनी, तो आप कैसे निकालोगे? 10 multiplied by 5 दैट इक्वल टू 50, दैट इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दैट लीड्स यू टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? काउंटिंग, बराबर है। तो वो आपको लीड करता है किसके ऊपर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग के ऊपर। सो नाउ व्हाट इज एन परम्यूटेशन और व्हाट इज एन कॉम्बिनेशन? ओके, तो ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के भी बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये टर्म मतलब क्या होता है और नेम का। अभी आपको ये ध्यान में आ गया कि काउंटिंग मतलब क्या, परम्यूटेशन निकालना या तो कॉम्बिनेशन निकालना, बट व्हाट इज एक्चुअली परम्यूटेशन, आप कब निकालते? काउंट तो आपको करना है, दोनों भी इसमें आपको क्या करना है? काउंट करना है। लेकिन परम्यूटेशन माने क्या काउंट करना है और कॉम्बिनेशन मतलब क्या काउंट करना है या कैसे काउंट करना है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग देखेंगे अभी। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन? सो चलो एक थोड़ा छोटा सा कॉलम लिखिएगा। ओके, मैं कभी भी स्टार्टिंग में आके केवल शॉर्ट ट्रिक बताना आपको ये मेरा वे नहीं रहेगा। वी विल सी दिस टॉपिक कंप्लीटली कंसेप्चुअली, क्योंकि अभी तो पहले हम कंसेप्चुअली टॉपिक्स को देखेंगे, पहले बेसिक एग्जांपल्स को देखेंगे, और टुमारो पर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग जो 10-12 एग्जांपल्स है वो कौन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के PYQs है उसको क्या कर लेंगे,
सॉल्व ही करेंगे, ठीक है ना। तो जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इवन बैंकिंग वगैरह के जो है परम्यूटेशन के एग्जाम्पल, उससे भी क्या है थोड़े डिफिकल्ट है। ओके, बाकी टॉपिक क्वांट का जो टॉपिक है, बाकी बाकी न्यूमरेसी के एग्जाम्पल्स है वो इजी है कम्पेयर टू द बैंकिंग लेवल और सबस्टेशन कमीशन लेवल, बट द लेवल ऑफ नंबर सिस्टम एग्जाम्पल्स एंड दी परम्यूटेशंस आर रियली अ चैलेंजिंग। ओके, हाँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हाँ, तो पहले लिखिए परम्यूटेशंस, सो परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, परम्यूटेशन इज रिप्रेजेंट बाय द वर्ड पी एंड कॉम्बिनेशन बाय द सी। परम्यूटेशन मीन्स एन अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मीन्स व्हाट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ओके, एंड ओके, तो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट मतलब क्या, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम्पल आएगा तो ऐसा नहीं बोलेगा आपको, क्वेश्चन क्या रहेगा हाउ मेनी वेज, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एग्जाम्पल परम्यूटेशन से रिलेटेड है या कॉम्बिनेशन से, तभी आप उस पर पी लगाएंगे या सी लगाएंगे, 5C2 या 5P2 लेना है आपको, ये आपको ध्यान में आना चाहिए ना। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल अरेंजमेंट का होगा वो एग्जाम्पल मतलब क्या, परम्यूटेशन। सो अरेंजमेंट मतलब क्या, देर इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, सो यू अरेंज मीन्स देर इज एन सिक्वेंस, देर इज एन प्रॉपर सिक्वेंस मीन्स एन वॉट, मीन्स एन अरेंजमेंट। तो लेट सपोज आपके क्लास में जब प्रेयर के लिए आप लोग स्टैंड होते थे, ओके, सो स्कूल स्टार्ट होने से पहले बराबर जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत का प्रेयर होता था ना, तो उसके टाइम पे सबसे पहले जो सबसे छोटा हाइट का है वो पहले रहता था, बाद में उससे बड़ा, बाद में उससे बड़ा, बाद में उससे बड़ा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हर इसको क्या रहता था, इंपॉर्टेंस। जब आप एक फैमिली फोटो लेते हो, फैमिली फोटो, करेक्ट ना, तो फैमिली फोटो के अंदर क्या होता है, जो घर का सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है वो सबसे मिडिल में होता है, उसके बाद में बाकी सीनियर उसके आजू बाजू बैठते हैं, बराबर है ना। पीछे कौन, जो यंगस्टर्स यंग है, बराबर है ना, तो यूथ से परिवार के वो पीछे खड़े होते हैं या तो और भी कुछ, और जो बच्चे होते हैं वो नीचे बैठे हुए होते हैं। सो देयर इज एन प्रॉपर सीक्वेंस। कभी घर के सबसे बड़े पर्सन को आप एकदम कोने में खड़ा करेंगे क्या, नहीं। सो देयर इज एन प्रॉपर अरेंजमेंट, बराबर है ना। तो यहाँ पे जो है परम्यूटेशन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, तो परम्यूटेशन मीन्स एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब ही क्या, कि जहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहां किसको वैल्यू है, सीक्वेंस को वैल्यू है। ओके, देयर इज एन प्रॉपर सीक्वेंस। लेट सपोज आईपीएल चल रहा है अभी, आप फॉलो कर रहे होंगे, तो बैटिंग ऑर्डर आती है, बराबर है ना। तो बैटिंग ऑर्डर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, एक सीक्वेंस आपका होता है, बराबर है। सो यहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस है। कभी बॉलर बैटिंग में पहले नंबर भेजते क्या, वो नहीं। सो देयर इज एन सीक्वेंस आता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो जहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है वो माने क्या है, परम्यूटेशन से, वो माने क्या है, परम्यूटेशन से। आपका रैंकिंग है यूपीएससी में 1000 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसीज है, उसमें अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये रैंक इंपॉर्टेंट है ना। मुझे तो रैंक 1 को रैंक लास्ट 1000 वाला रैंक को, दोनों को एक ही पोस्ट मिलने वाली है क्या, नहीं। रैंक 1 हो या लास्ट रैंक हो, तो पोस्ट के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, रैंक इंपॉर्टेंट है, मतलब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या हुआ, परम्यूटेशन हुआ, वो क्या हुआ, परम्यूटेशन, जहां सीक्वेंस को इंपॉर्टेंस रखता है। वेयर एज कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द परम्यूटेशन। ओके, व्हाट इज इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। यहां पर रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल आपको दिया, 1000 लोगों का बैच है यूपीएससी का, टॉप नंबर 1 रहे या 1000 रहे, दोनों भी क्या बोलेंगे, वी आर 2022 के बैच के हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आई एम द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द यूपीएससी, हमारा बैच कौन सा था वो बोलेंगे, 2022 का बैच था। तो पहले वाले को भी उतना ही हक है और जो 1000 है उसको भी क्या है, उतना ही हक है। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्रिकेट का प्लेइंग 11 है आज का, व्हाट इज टुडेस प्लेइंग 11 आता है मैच स्टार्ट होने से पहले, दिस टुडेस प्लेइंग 11, वो सब नाम वाम आते हैं उसके अंदर वगैरह, बराबर है ना। तो प्लेइंग 11 आपको वहां के वहां पे दी होती है, बराबर है। तो वहां के प्लेइंग 11 में भी अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर पहला वाला भी टीम का मेंबर है और 11th पोजीशन वाला भी क्या है, टीम का मेंबर है, बराबर है ना।
सो पहला भी बोलेगा कि मेरे को मुझे उतना ही वैल्यू है, इलेवन भी बोलेगा, तो ये क्या हुआ, इलेवन लोगों का टीम सिलेक्शन, सो इलेवन लोगों का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। लेकिन वही टीम जब बैटिंग करने जाएगी तब पहले इस पे बैटिंग कौन करेगा, दूसरे इस पे कौन करेगा, तीसरे इस पे कौन करेगा, चौथे इस पे कौन करेगा, ये जो सीक्वेंस आता है दैट इज नोन एज व्हाट, परम्यूटेशन। इवन व्हाइल सिलेक्टिंग द ओपनर वी कैन से राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इज वेरी बेस्ट। सो ओपनर के लिए हमने लेफ्टी एंड राइटी भेज दिए, पहले से चला रहा है सौरव गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर, बाद में फिर अभी शिखर धवन एंड रोहित शर्मा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बोलते ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन। तो इसमें दोनों को भी, चाहे सचिन हो या सौरव हो, दोनों को इक्वल वैल्यू है, बराबर है, ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। बट व्हेन सचिन, जब आप लोग इस पे जाओगे, किस पे बैटिंग करने जाओगे, तो जो कहां पे रहेगा, बैटिंग ऑर्डर पे जाएगा करें ना, तो जो स्ट्राइकर एंड पे रहेगा और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कौन रहेगा, ये जब आप डिसाइड करोगे दैट टाइम वो क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट टाइम वो क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। आया ध्यान में आप लोगों को, यस, व्हाट हैपेंड, हाँ, तो वो क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। आया ध्यान में आप लोगों को, हाँ, तो यहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या है, यहां पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी कौन सा एग्जाम्पल कैसे पहचानना, सो जैसे मैंने बोला टीम सिलेक्शन, फाइव गर्ल्स थ्री बॉयज, इसमें से दो लोग आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वर्ड क्या आया, सिलेक्शन। एक कमिटी बनानी है, कमिटी बनानी मतलब क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तो वो सब एग्जाम्पल किसके अंडर आ गए, कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन। व्हेन यू फ्रेम अ वर्ड, व्हेन यू फ्रेम अ वर्ड, मुझे बताइए, ईट, ए टी एट, T-A-T. Each word is a combination of what? A, E and T. Look here, है कि नहीं है? But each has a different meaning. Because why? Why different meaning? Because the sequence has changed. यहां पे T third place पे था, T यहां पे middle पे आया, T यहां पे क्या आया? First पे आया. E का भी place क्या हुआ? Change हुआ. तो जब सीक्वेंस चेंज हो जाता है तब मीनिंग भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वर्ड फ्रेमिंग के एग्जांपल किसके अंडर आएंगे, परम्यूटेशन के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, परम्यूटेशन के अंदर आएंगे। नंबर मुझे बताइए, 153 ये नंबर है, 135 513, सब नंबर सेम है क्या, Each number is in combination of 1, 5 and 3. कोई दूसरा डिजिट लिया हमने यहां पे? नहीं. But still each number has its different meaning, has its different value. Correct? Why? Because the place of unit place, decimal place and hundredth place has changed. वो क्या हुई है? Changed हुई है. आया आप लोगों को ध्यान में? Okay. और अब यहां पे ये चीज मैटर कर, तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? Sequence. So example किसके हो गए? Permutation के हो गए. सिटिंग अरेंजमेंट है, आप उसमें क्या लोगों को एक के ऊपर क्या है बैठाते हो, यहाँ पे पर अपने एक सीक्वेंस में आप बैठा रहे हो, एक के बाद एक, तो यहाँ पे भी क्या इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बराबर है। बहुत बार कई बार झगड़े होते हैं ना फैमिली के अंदर वगैरह, मुझे वैल्यू नहीं दिया गया, मुझे आखिर में बैठा है, शादी वादी में बहुत होता है ये, ओके, बोलते ना फूफा हमेशा रूठ के बैठ जाता है शादी के अंदर, मुझे वैल्यू नहीं दिया गया, ओके, सो दैट इज व्हाट द वैल्यू इज व्हाट। तो ये क्या हो गया, जहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो गया, परम्यूटेशन। सो सिंपल सेंस, नाउ वी विल सी हाउ टू डिफरेंशिएट और डिफरेंस कैसे मैटर करता है इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो लेट सपोज ए बी सी आर थ्री पर्सन, ए बी सी ये तीन पर्सन है, ओके, इनमें से आपको दो लोगों का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द टू पर्सन फॉर अ टीम। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट दैट, फॉर्मूला वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन यूज ए एंड बी, देन यू कैन यूज बी एंड सी, एंड देन यू कैन ए एंड सी, ए बी बी सी एंड ए सी, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट, थ्री वेज। अगेन ए बी सी, now you have to arrange two persons, arrange
इसमें से आपको टू पर्सन अरेंज करने हैं, आपको क्या करना है, टू पर्सन को अरेंज करना है. ओके, तो हाउ यू विल अरेंज दैट, आपको अगर दो लोगों को अरेंज करना है इसके अंदर से तो आप अरेंज कैसे करोगे, ए बी, ठीक है, बट यहां पे बी ए भी मैटर रहेगा, ए बी लो या बी ए लो, यहां पे सिलेक्ट करो तो ए बी को लिया या बी ए को लिया, बात क्या है, सेम है, बिकॉज सिलेक्शन दोनों का सिलेक्ट हो गया, कोई रो रहा है क्या, बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ए को आप पहले अरेंज कर रहे हो, ए इधर लेफ्ट में है, बी किधर है, राइट में, इधर बी राइट, बी किधर हो गया, लेफ्ट हो गया, ए राइट हो गया, तो सीक्वेंस हैज चेंज, सो ईच केसेस हियर बोथ द केसेस आर डिफरेंट, समझ आया आप लोगों को, अगेन ए सी एंड सी ए, ए सी और क्या, सी ए, करेक्ट, ए सी एंड व्हाट, सी ए, और थर्ड कौन सा है, बी सी एंड सी बी, सो तीन लोगों में से दो लोगों को हम लोग अरेंज कितने में से कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम, सिक्स वेज. सो देखो सेम एग्जाम्पल, आपको डिफरेंस ध्यान में आ रहा है, सेम एग्जाम्पल, वेन वी सिलेक्ट टू पर्सन दैट मीन्स वी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पर्सन दैट इज इन द थ्री वेज, बट वेन वी टेक अ परमिटेशन ऑफ थ्री, तीन में से दो का परमिटेशन लेते हैं दैट इज इन द सिक्स वेज. ये डिफरेंस है परमिटेशन का एंड कॉम्बिनेशन का. इन द परमिटेशन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, ओके, इन इन कॉम्बिनेशन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, इन परमिटेशन अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट, इन परमिटेशन सिक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, ओके, कॉम्बिनेशन सिक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इसके कुछ फॉर्मूलाज है, हम लोग बेसिक वे भी देखेंगे, फॉर्मूला वे भी देखेंगे. ओके, हाँ, तो ये सबको हम लोग देखेंगे. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है सिक्स वेज, तो इसका आपको सबसे पहले मुझे बताया, आपको फैक्टर पता है सबको, फैक्टर, हैव यू सीन दिस टर्म फैक्टर, थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, दैट इज थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, पांच फैक्टोरियल है, वन फैक्टोरियल, वन, टू फैक्टोरियल मतलब क्या, टू मल्टीप्लाई बाय वन, करेक्ट ना, तो फोर फैक्टोरियल मतलब कितना आता है, 24 आता है, थ्री फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, सिक्स हो गया, फाइव फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 120, कुछ आपको पता ही होना चाहिए, सिक्स फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन, दैट इक्वल टू व्हाट, 720. ओके, कितना होता है, 720. हाँ, तो इस तरह से ये होता है फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन फैक्टोरियल, अगेन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो फैक्टोरियल मतलब वन होता है, जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता है, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट, वन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब क्या, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन, मतलब देखो छह फैक्टोरियल हमने कैसे निकाला, छह, फिर छह लिया, उसके बाद पांच लिया, पांच मतलब क्या, उससे एक माइनस कर दिया, बाद में चार लिया मतलब छह में से दो माइनस कर दिए, n माइनस टू, एंड सो ऑन अप टू वन तक, इन सबका मल्टीप्लीकेशन कहां तक, वन तक, दैट इज नोन एज n फैक्टोरियल, उसे क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल बोलते हैं. So, ये हुआ परमिटेशंस. हाँ, तो सी बी बी सी सी बी सिक्स वेज. तो अभी बताइए, तो यहां पे देखिए, तो इसका एक फॉर्मूला आपको है, हाँ, द डैड वर्ड एन पी आर, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. So, n मतलब क्या, नंबर ऑफ चॉइस, कितने लोग हैं हमारे पास, r इज व्हाट, रैंडम अरेंजमेंट,
एंड पी मीन्स व्हाट? परम्यूटेशंस. अब मुझे बताइए यहां पे यन कितना था, अभी ये एग्जांपल लेते पहले वाला. पर्सन कितने थे रे? तीन पर्सन, तो यन क्या हो गया? थ्री, तो थ्री फैक्टोरियल हो गया. गॉट इट? तीन में से आर, अभी हम लोगों को अरेंज कितने लोग करने हैं? आर मतलब कितना होता है कि रैंडम अरेंजमेंट, कितने लोगों की अरेंज करनी है तीन में से? दो. सो थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, थ्री माइनस टू मतलब कितना? वन फैक्टोरियल. वन फैक्टर मतलब थ्री माइनस मतलब क्या? वन फैक्टर मतलब क्या होता है? वन. और थ्री फैक्टर मतलब क्या? थ्री मल्टीप्लाई टू दैट इक्वल टू व्हाट? सिक्स. सो सिक्स बाय वन दैट इक्वल टू ओनली सिक्स. गॉट इट? तो देखो हमारा आया था सिक्स वेज, आया था कि नहीं सिक्स वेज? करेक्ट. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. देखो हमने मैन्युअली काउंट किया तब कितना आया? सिक्स वेज. और मैंने फॉर्मूला से आपको बताया तो ये होता है परम्यूटेशन. अभी हर बार मैन्युअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, सौ लोग हैं उसमें से आपको कुछ लोगों का परम्यूटेशन लेना है तो इतना आप काउंट करते बैठेंगे क्या? कौन सी केस है? करेक्ट ना? दैट टाइम वी यूज द फॉर्मूला नोन एज एन परम्यूटेशन. तो मैंने आपको लॉजिकली सॉल्व करा के दिया और उसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो बताया. ये होता है परम्यूटेशन. अगेन द एग्जाम्पल, देर आर, हमने देखा था तीन पर्सन से उसमें से दो लोगों को क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है. तो एन सी आर, एन सी आर इक्वल टू व्हाट? एन सी आर इक्वल टू व्हाट? एन फैक्टोरियल. एन सी आर इक्वल टू व्हाट? एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. यही जो फॉर्मूला था किसका? कॉम्बिनेशन वाला, परम्यूटेशन वाला. देखा, बस आपको क्या करना है? डिवीजन में आर फैक्टोरियल को ऐड करना है. यू हैव टू आर फैक्ट ऐड आर फैक्टोरियल इन द डिवीजन. ओके, सो हाउ टू अरेंज? नाउ देर आर थ्री पर्सन ए बी, कितने एन कितना हुआ? थ्री. कॉम्बिनेशन सी, यहां पे नीचे क्या लिखेंगे आप? आर मतलब क्या? टू. कॉम्बिनेशन लेना है आपको तो ये मतलब एन मतलब कितना हुआ? थ्री फैक्टोरियल. आर मतलब क्या हुआ? आर मतलब टू हुआ ना. सो एन यहां पे, एन क्या है? नंबर ऑफ चॉइस. R is what? Random selection. So R मतलब क्या हुआ? टू फैक्टोरियल. एंड n माइनस आर मतलब थ्री माइनस टू फैक्टोरियल. सो थ्री फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? सिक्स. टू फैक्टर मतलब कितना होता है? टू फैक्टर कितना? टू. थ्री माइनस टू वन फैक्टर इज वन होता है तो सिक्स बाय टू इज व्हाट? थ्री. आर आई थ्री. हैव यू गॉट थ्री? देखो हमारा आंसर आया था थ्री वेज. जो हमने लॉजिकल वे से आंसर निकाला था वही मैंने आपको फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करा के दिया. गॉट इट? हाँ. सो ध्यान में डिफरेंशिएशन परम्यूटेशन एंड दी कॉम्बिनेशन के बीच का. तो ये फॉर्मूला, बट आपको फॉर्मूला भी यूज करने का जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट में आपको बता दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए हाउ टू सॉल्व. ओके, जब भी आता है आपको, हाँ, सेवन पी सपोज थ्री है, सेवन पी थ्री. ओके, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को. क्या करना है इसके अंदर? वो इतना फॉर्मूला वगैरह एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल कुछ भी ध्यान में रखिए मत. डायरेक्ट पुट कीजिए सेवन, एक माइनस कर दो सिक्स और एक माइनस कर दो फाइव. सेवन सिक्स एंड फाइव.
वाई देर आर थ्री टर्म्स ना, तो क्या करना है पहली टर्म ये लेना और उसके बाद जितनी बार दिखा बोला है उतनी बार वो टर्म्स आनी चाहिए, एक एक से माइनस हो गया इसका। सेवन पी थ्री मतलब क्या, सेवन सिक्स एंड फाइव। ओके नाइन पी टू, नाइन पी टू मतलब माने कैसे लिखेंगे फिर आप, नाइन मल्टीप्लाई बाय एट हो गया, दो टर्म चाहिए थी दो हो गए। फाइव पी फोर, फाइव पी फोर मतलब कैसे लिखेंगे, फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू, खत्म। जो भी आंसर आता है वो निकालिएगा। गॉट इट, आया ध्यान में, इजी है। हाँ, सो देर इज नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके हाँ, सेवन पी टू, नाइन पी टू, फाइव पी फोर, करेक्ट। नेक्स्ट वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। सेवन सी थ्री, सेवन सी थ्री मतलब क्या, सेवन सी थ्री तो आपको क्या करना है, जैसे परमिटेशन को था सेवन सिक्स फाइव, बराबर है, हमने ऐसे किया था ना, तीन दिया तो सेवन सिक्स फाइव परमिटेशन को करते थे। अभी मुझे बताइए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इफ यू ऑब्जर्व द फॉर्मूलीज ऑफ द परमिटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो आपको भी यहाँ पे क्या ऐसा पुट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट, थ्री फैक्टोरियल। तो थ्री फैक्टोरियल से इसको क्या करो, डिवाइड करो। थ्री फैक्टोरियल मतलब ही कैसे, तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थ्री टू वन, जो भी ये टर्म होगी उतने फैक्टोरियल से इसको क्या करना, डिवाइड करना है। थ्री टू वन सिक्स इज व्हाट, सिक्स, सिक्स सिक्स कैंसिल हो जाएंगे, थर्टी फाइव आंसर आएगा आपका। नाइन सी टू कैसे करेंगे फिर, चलो नाइन सी टू को कैसे निकालेंगे आप लोग, नाइन इंटू एट अपॉन दो है ना, तो दो मल्टी ये जितना फैक्टोरियल है, दो फैक्टर मतलब क्या, टू मल्टीपल टू थर्टी सिक्स, अगेन नाइन सी फोर, नाइन सी फोर मतलब क्या होगा, तो नाइन सी फोर, नाइन सी फोर मतलब क्या होगा, नाइन सी फोर, नाइन मल्टीप्लाइड बाय एट मल्टीप्लाइड बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स अपॉन फोर फैक्टोरियल मतलब फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन। चलो निकालो कितना आंसर आता है, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स कैंसिल, फोर टू जा एट, कितना आता है, वन ट्वेंटी सिक्स। नाइन सी फोर इज इक्वल टू व्हाट, वन ट्वेंटी सिक्स। फाइव सी फोर निकालो, अगर फाइव सी फोर निकालने वाला आपको, फाइव सी फोर फाइव फोर थ्री टू फोर फैक्टोरियल, तो अब देखो ये कैंसिल हो जाता है और ये भी कैंसिल हो जाता है, फोर थ्री टू फोर थ्री टू, बचता क्या है अकेला फाइव, बराबर है। तो आपको यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो आपको अब ये भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके तो कैसे, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, तो देखो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। अभी क्या इसका मतलब है, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, फाइव सी फोर का आंसर केवल क्या आया, केवल फाइव आया, फाइव सी फोर का आंसर क्या आया, फाइव आया कि नहीं, हाँ। तो मेरा बोलना क्या है कि फाइव सी फोर इज इक्वल टू फाइव सी एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब क्या, फाइव माइनस फोर दैट इक्वल टू व्हाट, फाइव सी वन, फाइव सी वन इक्वल टू व्हाट, ओनली फाइव, फाइव सी वन इक्वल टू व्हाट, ओनली फाइव। वाई, तो हमने जो फाइव सी फोर का आंसर निकाला था तो उसको उसको माइनस डायरेक्ट फाइव सी वन आपको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पांच में से चार माइनस के फाइव सी वन, फाइव सी वन डायरेक्ट आप क्या पुट कर सकते हैं, फाइव पुट कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा,
5 आएगा. दैट्स व्हाई रिमेंबर एनसीआर इज इक्वल टू व्हाट एनसीएन माइनस आर. कैलकुलेशन तो इजी. जब अभी तो ठीक है छोटा एग्जांपल है, जब आपको रहेगा 52 53, लेता हूं 52 C 49, सपोज 52 C 49. अब मुझे बताओ 52 51 50 है, इतना आप सकते हैं कैसे बैठेगा आप लोग. और उसके बाद 49 का भी पूरा फैक्टोरियल 49 48 47 46 41, यहां तक सीधा आपको क्या पुट करना है फिर 52 C 49, मतलब क्या. वैसे आपको पता है कि 49 फैक्टोरियल से आगे पूरे कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर में 49 से जो भी आएगा और ऊपर 52 53 51 के आगे उधर का जो भी आएगा वो सब क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है. तो आप लोग क्या करोगे कि 52 C क्या करोगे, यहाँ पे 52 में से 49 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा 3, 52 C 3. सो क्या बचेगा, 52 C 3 बचेगा. ओके गॉट इट, आपको आया ध्यान में. तब डायरेक्ट पुट कर, फिर 52 C 3 आ गया डायरेक्ट 52 × 51 × 50 / 3 आंसर निकाल लीजिए जो भी आ गया. करेक्ट आया ध्यान में आपको, जो भी आंसर आएगा हमको आंसर लेना देना नहीं, अभी हम लोग बेसिक फाउंडेशन को ये कर रहे हैं. समझ में आ रहा है बेसिक फाउंडेशन, आइडिया क्लियर हो रही है सबके, समझ रहा है परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट दैट. सो ऑलवेज एनसीआर इज इक्वल टू व्हाट एनसीएन माइनस आर होता है कई बार, अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो तो की बात है, नहीं तो फिर हमारा प्रॉपर वे है. जय जितना लिखा है उतने टर्म्स एक एक माइनस करके उतने टर्म लिखिए, वो होता है परमुटेशन. कॉम्बिनेशन में बस जितना ये नीचे का टर्म है उतने फैक्टोरियल को यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया. तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया. गॉट इट. सो बेसिक फंडा क्लियर हो गया, क्लियर.